आइए आज के फटाफट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख और अहम खबर से। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर में पुलिस हिरासत में युवक की हालत बिगड़ने पर ग्वालियर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाने के बाद मृतक के परिजनों में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश। पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ललितपुर जिले के थाना सदरपुर पाली के राजघाट पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम टोरिया गांव का मामला। ललितपुर जिले के नेशनल हाईवे 44 स्थित ग्राम असोपुरा के पास तेज रफ्तार एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में उतर गया। इसी दौरान अचानक ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक में भीषण आग लग गई और ट्रक आग का गोला बन गया। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना पुलिस एवं फायर ब्रिगेड टीम को दी गई। ललितपुर जिले के मैरोनी बानपुर मार्ग स्थित पड़वा गांव के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गया। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, वरना एक बड़ा हादसा होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रक चालक नशे में था, जिसके चलते यह हादसा हो गया। ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के ललितपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित मनु पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने सदन शाह निवासी एक व्यक्ति को कुचला, जिसे गंभीर हालत में ललितपुर के जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। ललितपुर का जिला चिकित्सालय जब से मेडिकल कॉलेज बना, तभी से यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार चौपट होती जा रही है और यहाँ का इमरजेंसी वार्ड रेफर सेंटर बना हुआ है, जिसके खिलाफ का स्वयंसेवी संगठन अपना विरोध एवं धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन व्यवस्थाएं सुधारने का नाम नहीं ले रही हैं। विगत दिवस थाना बानपुर क्षेत्र के बानोनी में दो पक्षों में हुई भीषण खूनी संघर्ष में लथपथ लोग इलाज के लिए दूसरे दिन भी तड़पते रहे, लेकिन उन्होंने सही ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा है, नहीं उनकी समय पर डॉक्टरी की गई, जिसको लेकर बानपुर थाना अध्यक्ष सियाराम वर्मा भी पुलिस बल के साथ काफी परेशान दिखाई दिए, जिसकी शिकायत उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को भी दी है। चंदेरी में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी द्वारा अनिश्चितकालीन काम बंद। हड़ताल के 5वें दिन भी जारी रहा अनशन, जिससे शहर में प्रमुख जगहों पर कचरे के ढेर दिखते नजर आए। चंदेरी में अशोकनगर जिला कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के निर्देशन में चलाए जा रहे जीवन संगिनी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी सुश्री रचना शर्मा की अध्यक्षता में जनपद पंचायत परिसर चंदेरी के सभा कक्ष में मंगलवार को विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें चर्चा की गई। ललितपुर में दया भावना फाउंडेशन संस्था द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में गौवंशों की सुरक्षा को लेकर एवं आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य को लेकर संस्था के सदस्यों द्वारा नेहरू नगर स्थित जुगपुरा में 118 गौवंश को रेडियम बेल्ट पहनाए गए, तो वहीं अगले दिन शहर के नगर के पिसनारी से गल्ला मंडी रोड पर बैठे लगभग 92 को गौवंश को रेडियम बेल्ट पहनाया गया और उन्हें बीच सड़क से थोड़ा किनारे बैठाया गया, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आ सके और सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। दयाभावना फाउंडेशन संस्था द्वारा चलाई जा रही अभियान की जिले में लगातार प्रशंसा की जा रही है और उसकी इस सराहनीय कार्य को लेकर शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। ललितपुर में श्रम विभाग थाना AHTU एवं मानव तस्करी रोधी इकाई जिला प्रोबेशन कार्यालय द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत बाल श्रम रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें कुछ बच्चे बाल श्रम करते पाए गए। उन बच्चों के माता पिता को बुलाकर CWC के सामने प्रस्तुत कर बच्चों को सुबुद्र कर समझाया गया कि अभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई की उनको पढ़ाएं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो जिला प्रोबेशन कार्यालय से विभागीय योजनाएं संचालित है, उन योजनाओं का आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लाभ ले सकते हैं। ललितपुर शहर के सदर तहसील में लॉटरी पद्धति से होगा 26 अक्टूबर को आतिशबाजी लाइसेंस की 50 दुकानों का आवंटन, जिसमें आवेदक अपना प्रार्थना पत्र एवं निर्धारित चालान राशि फॉर्म बैंक में जमा करके उसकी मूल प्रति जमा कर सकते हैं। ललितपुर में राष्ट्रीय मंत्री समाज की बैनर तले मुस्लिम समाज का शादी सम्मेलन 27 अक्टूबर को होगा सम्पन्न, जिसमें 17 जोड़ों का निकाह पढ़ा जाएगा। इस सम्मेलन में कमेटी की ओर से 2 निकाह ऐसे भी कराए जा रहे हैं जो लोग पैसे खर्च करने में असमर्थ हैं, उन्हें निःशुल्क कराए जा रहे हैं। ललितपुर शहर के सुमेरा तालाब स्थित प्राचीन छोटी माता देवी मंदिर का नितिन गिरी को जिले के सभी सर्व संत समाज ने उत्तराधिकारी घोषित किया और उन्हें जिम्मेदारी सौंपते हुए सभी दायित्वों के निर्वहन का संकल्प दिलाया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।